पीएम मोदी ने भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा के विचार का ही नहीं बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि देश आज अमृत काल की यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमि और महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम ने कहा कि यहाँ के युवाओं ने भाजपा का सुशासन देखा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला चुनाव बहुत ही अहम है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृत काल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। इसलिए यहाँ के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले हजार साल के हमारी यात्रा को तय करने वाले हैं। ये सब कुछ मध्य प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए यहाँ फिर से भाजपा सरकार बने, पूर्ण बहुमत की स्थिर भाजपा सरकार बने। भाजपा के पास रोड मैप भी है और उसे जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया है। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है
और हमारे देश की यशो गाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5,00,000 किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर एक का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।